भारतीय सेनेच्या जवानांना सध्याच्या सरकारकडनं योग्य वागणूक दिली जात नाही. सेवेत कार्यरत असलेल्या आणि निवृत्त झालेल्या सैनिकांसाठी सरकारकडून काही प्रयत्न केले जात नसल्याची खंत पंजाबचे प्लॅनिंग अँड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मिनिस्टर मनप्रीत बांदल यांनी पुणे दौऱ्यावर असताना व्यक्त केलं आहे. पंजाबचे काँग्रेस अध्यक्ष मनप्रीत सिंग बांदल यांनी आज पुण्यातील काँग्रेस भवन येथे भेट दिली आहे. आगामी निवडणुकीबाबतची चर्चा त्यांनी आपल्या पुण्यातील पदाधिकाऱ्यांशी केली आहे. त्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना भारतीय सेना आणि त्यावर सध्याच्या सरकारची असलेली उदासीनतेवर त्यांनी एक्स सर्विसमैन जो है उसकी इज्जत में बहुत ज्यादा कमी आ गई है. और कोई भी समाज जो अपनी फौज की इज्जत नहीं करेगा, कदर नहीं करेगा, तो किसी दिन उस समाज को नुकसान देना पड़ेगा. हिंदुस्तान ने 1000 साल गुलामी में काटे हैं, आजाद हुए सिर्फ 70 साल हो गुजरे हैं. 70 साल बाद डिफेंस फोर्सेस की इज्जत का या उनकी वकार में इसका इस किस्म का सवालिया निशान उठना, ये मुझे लगता है कि इंडिया के लिए ये कोई शुभ शगन नहीं है. और आज सारे मसले मसाइल इनके नोट करके गए हैं, चाहे वो OROP का मसला है, इनका फौज का जो मेडिकल ट्रीटमेंट का मसला है, यहाँ तक कि फौज का काम नहीं है. इंटरनेशनल योगा डे पे फौज की ड्यूटी लगाई गई कि आपने योगा के मैट बिछाने, फौज की ड्यूटी लगाई गई कि मुंबई में आपने रेलवे का पुल बनाना है, ये कोई फौज का काम नहीं है. और फौज को हमेशा इज्जत अगर नहीं मिलेगी तो फौज में जो टैलेंट की ज़रूरत है वो टैलेंट जो है फौज में गैर हाजिर होगा.